स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है काकी? तुझे दुल्हन बने देखने की कितनी तमन्ना थी हमारी, और आज वो दिन आ गया। लेकिन इसके साथ साथ दुख भी है कि कुछ ही पल में मेरी रानी बिटिया विदा होकर चली जाएगी। मेरी रानी सी गुड़िया, तुझे किसी की नजर ना लगे। चले। और हाँ अक्षरा, धीरे धीरे चलना, सर झुका के, किसी को ऐसा ना लगे कि अपनी शादी के लिए कितनी बेसब्र हो रही है। अक्षरा ऐसी घबराती नहीं है। अक्षरा, हर लड़की की जिंदगी में ये वक्त जरूर आता है जब उसे अपने पिया के घर जाना होता है। तो ये सोच कि आज से तू अकेली नहीं रही, तुझे किसी का साथ मिल गया है। दुल्हन की एक फोटोग्राफ थी। थैंक यू।
छोटी सी गुड़िया रानी आज दुल्हन भी बन गई। दादा भी आपकी तरफ देख भी नहीं रहे, इतना शर्मा। मन में तो लड्डू फूट रहे पर बाहर से कुछ नहीं बोल रहे। ये लड़के भी ना ऐसे होते हैं। आगे की विधि संपन्न करने के लिए वधु को मंडप में लाया जाए। वर बेटा आप अपना हाथ आगे कीजिए। हाथ आगे बढ़ाओ। अब वधु अपना हाथ बायां हाथ। अब वर वधु और माला की विधि संपन्न करने के लिए खड़े हो जाएं। वधू एक दूसरे को वरमाला पहने। अच्छा नैतिक सर मत झुकाना। हाँ हाँ नैतिक बिल्कुल मत झुकना, अगर आज झुक गया तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दो। अभी झुको या ना झुको पर सौ बातों की एक बात, शादी के बाद तो पत्नी के आगे झुकने में ही समझदारी है। ये तो गलत बात है, आप अपनी पगड़ी का गलत फायदा उठा रहे हैं। अच्छा? अरे कूद के पहना दो अक्षरा। अब वर वधु को वरमाला डाल। मुन्ना यहां देख, यहां से तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। माला भी पहनाएगा। हाँ मुन्ना देर किस बात की,
अगर ऐसा ही है तो तेरी होने वाली बीवी ने मुझे क्यों पसंद किया? और ये तो उनसे ही जाके पूछ लेना ना कि आंखों आंखों में उनका दिल मुझ पर क्यों आ गया। उनकी तरह से तो मेरे लिए क्यों एक बार नहीं हाँ हो गई थी। बेटा वरमाला पहनाओ। कुछ बात है क्या? तो सोचिए दादा, हमारी बेटी कितनी सौभाग्यशाली है, इतने अच्छे घर में जा रही। लेकिन ओमी, अपने मन को कैसे समझाऊं? कैसे संभालेंगे? माँ चुप हो जाइए ना। काकी दादी को भी, दादी माँ को संभालेंगे, देखे ना वो। काकी आप भी ऐसे, फिर अक्षरा को कौन संभालेगा? गोपी दादी कितना खुशी का दिन है, कब से हमने इस दिन का इंतजार किया है ना। हाँ कितना इंतजार था हमें इस घड़ी का। और जब हमारी गुड़िया की शादी हो रही है तो आंखों से आंसू उमड़ आ रहे, कितना भी रोकना चाहो पर
हमारे सोच रही चले जाएंगे। दादी आप समझाइए ना उन्हें, अक्षरा का क्या हाल होगा, उसे तो दादी दादी आप भी दादी आप तो सबसे बड़ी है ना, सबसे ज्यादा धीरज है आप दादी। बहुत रोका था विदाई से पहले अपनी बेटी के ब्याह की हर रस्म में हंसते हंसते शामिल होंगी, पर ये आंसू खुद ब खुद बह जाते हैं। अक्षरा इस घर की अकेली बेटी है, सबकी लाडली, विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी तो अपने साथ इस घर की रौनक भी ले जाएगी। दादी इधर देखिए मेरी तरफ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? अक्षरा जब अपने ससुराल चली जाएगी ना तो मैं उसकी कमी पूरी, हाँ मेरे बच्चे तू तो हमारी बेटी है, और मेरे बच्चे इस वक्त तेरा अपना दिल भी तो रो रहा है ना, तेरी भी तो सबसे प्यारी सखी हम जा रही है, तू तो अकेली रह जाएगी ना। अरे भोला सब ठीक है ना, देखो मेहमानों को अच्छे से ख्याल रखना, और किसी को कुछ भी चाहिए होगा तो उसके कहने से पहले हाजिर होना चाहिए, ठीक है ना? जी शौर्या भैया आप चिंता मत कीजिए। अच्छे से याद रख। वर्षा वर्षा ओके थैंक यू। अब वरवधु अपना अपना स्थान ग्रहण करें और वरवधु के माता पिता भी। ये लोग सब कहाँ चले गए? ए धनिया जाना देखना कहाँ गए ये लोग। तो एकदम सही जोड़ा है शंकरिताई। आए ऊपर वाले ने कला दी है संकरी को, बस उसने जिसकी जोड़ी जहाँ बनाई संकरी की नजर वहीं तार गई। हाय हाय आए कहो तो तुम्हारे लिए भी ढूंढूं रिश्ता। इसके लिए नहीं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब बेशरम छोरियो आए अब यहीं खड़ी खीखी करती रहोगी और दूल्हे की जूती कौन चुराएगा निगोड़ियो। अरे वो तो भूल गए। वर्षा नहीं मुझे कुछ काम है, तुम लोग चुरा लो। वरमाला का विधि संपन्न हुआ। इस वरमाला का मतलब ये हुआ कि वर वधु ने एक दूसरे को चुन लिया है पवित्र परिणय सूत्र में बंधने के लिए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।